हाँ हाँ पता है ना। हाँ तो बस वही एक्सप्लोर किया। क्या बात कर रही है सच में? अरे ये तो कुछ भी नहीं, परसों संडे को ना हम इससे भी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। वाह यार कितने मजे कर रहे होगे ना तुम लोग वहाँ। हाँ। कितना अच्छा होता ना मैं भी वहाँ तुम लोग के साथ होता। हाँ अच्छा तो होता, लेकिन मैं और ज्यादा फेमस हो जाती कॉलेज में। अच्छा और वो कैसे? देख जितनी लड़ाइयाँ हम फोन पे करते उतनी ही लड़ाई अगर हम कॉलेज में करते तो हो जाते ना फाइटिंग कपल्स के नाम से फेमस। अच्छा मैं वहाँ नहीं हूँ तो तेरी लाइफ इतनी कलरफुल है ना, मैं वहाँ जाऊँगा तो तेरे को तो कोई भाव ही नहीं देगा, उल्टा तेरा नाम ही खराब हो जाएगा ना। बस हर बात पे इतना भड़कने की जरूरत नहीं होती है। भड़क रहा हूँ मैं, जो बात क्लियर है वही तो बता रहा हूँ ना। मजाक था बाबा। अच्छा अब समझ में आया कि तूने मुझे वहाँ आने क्यों नहीं दिया। यार तू हर बात को इतना दिल पे क्यों ले लेता है? अच्छा तू जो बोले वो कुछ भी राइट है ना, और मैं कोई बात दिल पे भी नहीं ले सकता हूँ। अब समझेगा रुद्र। यार देख तेरे को इतना ही प्रॉब्लम है ना मुझसे बात करने में, तू तो अपने नए फ्रेंड से ही बात करना, मुझसे क्यों करती है? कितना झगड़ा करोगे रे तुम लोग, एक दिन भाग जाएगी ना तो रोते बैठेगा। तो मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ उसके लिए, भागना है तो भाग जाए, वैसे भी पुणे तो भाग ही गई है और कितना भागेगी। अरे अच्छी लड़की है वो, थोड़ा प्यार से बात किया करना उससे, कब तक बच्चों जैसे लड़ते रहोगे? मैं लड़ा? देख मैं पहले उसने मुझे कम नहीं सुनाया जो अब तू भी स्टार्ट हो गई, और मैं देख रहा हूँ कि तू बहुत साइड ले रही है उसका। मैं सुनूंगी तो बोलूंगी ना, एक तो रात रात भर बात करता रहता है और मैं बोलती हूँ तो मुझसे भी झगड़ा कर, जा उससे ही झगड़ा कर, मैं सो रही हूँ। अरे आज छुट्टी है ना, रोज तो 10-10 बजे तक सोता रहता है और आज इतनी जल्दी तैयार होके कहाँ जा रहा है? माँ तेरी बहू से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा कल तो बड़ा बोल रहा था मैं मरा नहीं जा रहा हूँ,
आज क्या हो गया, सीधा पुणे जा रहा है? अरे नहीं माँ, उसका मैसेज आया था, बस आज के दिन के लिए आ रही है वो, 10 बजे तक पहुँच जाएगी। बढ़िया, अभी आने दे उसे, फिर बताती हूँ कल क्या क्या बोल रहा था। नहीं माँ, उसको पता है मैं ऐसे ही गुस्सा करता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, पर मीन नहीं करता। आया बड़ा। और सुन, बाहर क्यों लेके जा रहा है उसे, घर पे ही बुला लेना, वैसे भी बाहर कितनी गर्मी है, धूप लगेगी, कहाँ घूमोगे, क्या खाओगे? अच्छा, और हम क्या बातें करेंगे तेरे सामने? और वैसे भी तुम दोनों ना मिलकर मेरी क्लास ले लोगे, इसीलिए पहले मैं उससे मिल लेता हूँ, फिर तुझे उससे मिलवा दूंगा। चल माँ, बहुत लेट हो रहा है, आशीर्वाद दे, मैं चलता हूँ। अरे पर सुन तो सही, अरे सुन तो, घर में खाना बनाना हो तो कॉल कर देना। How much for this? तो वही है ना जो कुछ साल पहले मेरी दुकान से फूल चुरा के ले जाया करता था। हाँ वो मैं तब कॉलेज में था और पैसे भी नहीं थे तो, but I'm sorry, I'm really sorry for it. ओ तेरी, अभी तो मैं कब से सोचूं, लगता तो देखा देखा है, बड़ा परेशान किया था तूने, तेरे को पकड़ने के लिए बड़ा प्लान किया था मैंने, पर तू बड़ा होशियार निकला, आया ही नहीं उसके बाद, सारी प्लानिंग खराब कर दी मेरी। बात बता, ता तो अच्छा भला है, तब ही एजुकेटेड है, फिर चोरी? यहाँ इतनी दुकानें हैं, मेरी दुकान से क्यों? क्योंकि मैं ऐसी हूं इसलिए। इस फ्लावर शॉप के खुलने से पहले यहां एक किराने की शॉप हुआ करती थी, पढ़ने से पहले मेरे पापा यहीं काम किया करते थे, स्कूल जाते टाइम मैं यहीं से चॉकलेट चुराया करता था। I'm sorry, but मैं आपको कोई एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहता, मैं आपको सारे फ्लावर्स के पैसे लौटा दूंगा। बहुत प्यार करते हो उससे? हाँ? जिसके लिए ये फूल लेके जा रहे हो? बहुत ज्यादा।
तो ये लो ग्रीटिंग मेरी तरफ से तुम्हारे प्यार के लिए, और कुछ इस पे प्यारा सा लिख लो। चलो अच्छा है, बारिश भी रुक गई और मौसम ने भी मूड सेट कर दिया है। तू सच में पुणे चली जाएगी? जाना ही पड़ेगा ना, वरना एक साल वेस्ट हो जाएगा मेरा। तो अब जब तक मैं पुणे नहीं चली जाती, तू यहीं बैठे रहने वाला है? मैं तुझे कहीं जाने ही नहीं दूंगा। अच्छा, मैं करूं तो लोग देख रहे होते हैं, अब कोई नहीं देख रहा। देख रहे हैं क्या? लोग भी तभी देखेंगे ना जब हम दोनों साथ होंगे, वरना मुझे अकेले देखने में किसे इंटरेस्ट है। ये भी नहीं, अरे अब तो फ्लावर वाले के पास ऑप्शंस भी खत्म हो गए हैं। अब तो बता दे कौन सा है तेरा फेवरेट फ्लावर। मैं क्यों बताऊं? खुद फाइंड आउट करो। तुम्हारा फेवरेट फूड मैंने खुद फाइंड आउट किया था। सो ये क्या है? क्या क्या है? इतना अनकंफर्टेबल हाथ क्यों रखा? ऐसे हक से प्यार से कंफर्टेबल ही रखो ना। हेलो। हाँ प्रियु, किधर है तू? अरे यार बस तो अभी यहाँ से गई है। सॉरी रुद्र, मैं बस निकलने ही वाली थी लेकिन लास्ट मोमेंट पे पापा ने मना कर दिया। पर जो बात मैं तुझे बोलने वाली थी वो मैं फोन पे ही बता देती। यार तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं कब से यहाँ तेरा वेट कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता अब हम कभी मिल पाएंगे रुद्र, हम दोनों की लाइफ बहुत डिफरेंट हो चुकी है और आई थिंक हम दोनों को अब अपना अपना रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। ये तू क्या बोल रही है? तू बहुत गुस्सा करता है यार, ये बात मुझे तुझसे कब से कहनी थी पर मैं बोल ही नहीं पा रही थी। आज फाइनली डिसाइड किया था कि आके तुझे सब बोल दूंगी पर आ ही नहीं पाई। अरे तो ऐसे तो मत बोल यार, नहीं नहीं करूंगा आपसे गुस्सा। कैसे नहीं करेगा यार, हर छोटी बात पे तो तू ऑफेंड हो जाता है, अभी भी तो गुस्सा ही कर रहा है। यू नो व्हाट, आई एम जस्ट डन विद दिस। नहीं, ये मेरी प्रियु नहीं हो सकती, मैं मान ही नहीं सकता। देख, या तो तू मेरे साथ मजाक कर रही है या फिर बात कुछ और है, क्योंकि इतने से रीजन के लिए तो तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, है ना? मजाक कर रही है ना, बोल ना। I like someone else in my college, Ruth. लेकिन देख तू, प्लीज प्लीज गुस्सा मत कर।
But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. क्या हुआ, क्या सोच रहा है? पिछले 4 सालों में हम 2 दिन भी ना मिले हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। पर अब तो 2 सालों के लिए जा रही है। मैं आऊंगी ना तुझसे मिलने, और तू भी आ जाना कभी कभी। मैं नहीं रह पाऊंगा यार तेरे बिना। मैं अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरा फोन रख, मेरे पुणे जाने तक इसको स्विच ऑफ ही रखना। मैं पापा से कह दूंगी कि फोन खो गया तो मुझे नया फोन दिला देंगे, और उस नए फोन से मैं तुझे इस नंबर पे फोन करूंगी। Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Oi, chutiye, dikhta nahi hai kya? Stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. Kya bola be? I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. भैया मेरा ना एक फोन टूट गया भैया, इसको रिपेयर करना है कैसे भी करके। मेरी ना बहुत मेमोरीज जुड़ी है इससे भैया, ठीक हो जाएगा ना ये? कितना कितना टाइम में ठीक कर रहे तो इसको बचा ही क्या, जो ठीक हो जाएगा? अरे नहीं भैया ऐसा मत बोलो, प्लीज प्लीज भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फोन मेरे लिए भैया। मैं ठीक करूँगा उतने में तो नया फोन आ जाएगा भाई, नया ले लो, नहीं होगा ठीक।
डर मत, मैं हूं ना। पागल है क्या रुद्र? तू मेरे साथ पुणे आ जाएगा तो मम्मा यहाँ अकेली रहेंगी। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। तू मुझे छोड़ सकता है लेकिन मम्मा को कभी नहीं छोड़ सकता। प्रॉमिस कर मुझे, प्रॉमिस कर। मैं जाऊंगी, देखती हूँ अभी 12 बजे तक नहीं आया ना तो मैं वही करने वाली हूँ। उसका फोन भी नहीं लग रहा है, कुछ बताया भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, इनके बाद एक वही तो है मेरा। हाँ आपको कुछ पता चलता है तो बताना। हाँ कहाँ था तू? फोन कहाँ है तेरा? तुझे बोला था ना फोन करने के लिए, फोन निकल। हे भगवान, ये क्या हालत बना के रखी है? और क्या हुआ है तुझे? तुझे किसी ने मारा? तू दारू पी के तो नहीं आया ना? मैं तो माँ हूं, सह लूंगी, पर वो लड़की भी बेचारी ना राह देखकर चली गई। कौन आई थी? कौन आई थी? किससे मिलने गया था तू? और मिला क्यों नहीं फिर? सुबह से आके बैठी थी, केक भी लाई थी, बिना खाए चली गई। अब जा, तू ही खा ले अकेला। हेलो। हाँ जी पहुंच गया। अब नहीं, मैं आपको बताती हूँ सब, अभी अभी आया है। हाँ हाँ आ गया है, ठीक है। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, पहुँच गया। हाँ हाँ मैं बताती हूँ सब, बताती हूँ, पर आप अभी टेंशन मत लो, वो पहुँच गया और ठीक है। हाँ ठीक है, रखती हूँ। हरीश क्या लड़का है ना, कभी सुधरेगा पता नहीं। हेलो रुद्र, कहाँ था तू? और मम्मा पूरे दिन तुझे फोन कर करके परेशान हो गए थे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। मुझे लगा 10 मिनट में तू घर आ जाएगा, फिर मैं तुझे सरप्राइज दे दूंगी और पूरा दिन हम साथ में स्पेंड करेंगे। तू आया ही नहीं, आज हमने पहली बार तुझ पे प्रैंक किया और मेरे साथ ही प्रैंक हो गया। तू कहाँ था पूरे दिन? ठीक तो है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा रुद्र? अरे तू कुछ बोलने देगी तो बोलूंगा ना। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी फॉर द प्रैंक, मुझे नहीं पता था इतना लंबा खिंच जाएगा। नहीं नहीं सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए प्रियो, आज तेरे इस एक दिन के ब्रेकअप ने मुझे इतना बड़ा रियलाइजेशन दिया है।
मेरे पास जो भी चीज है वो कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी वैल्यूएबल है, और मैं आज तक सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए रोता रहा जो मेरे पास कभी थी नहीं। A big thanks to you, Priyal. And I really love you. I love you too, my angry young man. And thank you for the gift. Gift? कौन सा gift? वही जो bus stop पे तूने छोड़ा था। Return आते वक्त मुझे मिला। और तेरा message भी। और मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया। सच में? हाँ। अच्छा तू वो सब छोड़, मैं कल पुणे आ रहा हूँ तुझसे मिलने के लिए। सच्ची? हाँ। लेकिन मम्मा? अरे मम्मा की टेंशन नहीं है, एक ही दिन की तो बात है, सेम डे रिटर्न आ जाऊंगा। ओह गॉड, तू सच्ची आ रहा है? फिर तो मुझे बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ेगी। वैसे कब तक आएगा तू? तू क्या बन के आने वाला है? मुझे पहले ही बता देना, हम दोनों ट्रेनिंग करेंगे। मैं ना अपने सारे फ्रेंड्स से मिलाऊंगी तुझे, तेरे लिए तो आइटनरी बनानी पड़ेगी। उप्स, तू फ्रेंड्स से मिलेगा तो ना, पता चला फिर से भड़क गया।